हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। उम्मीद है आप सब लोग अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं असम स्टेट के क्या क्वारंटीन रूल्स हैं और वहाँ के एयरपोर्ट के क्या गाइडलाइंस हैं इसके बारे में। इससे पहले वाले वीडियोज़ में मैंने आप लोगों को दिल्ली NCR, महाराष्ट्र, गुजरात, तमिलनाडु, तेलंगाना, बिहार, वेस्ट बंगाल, ये सारी स्टेट्स के बारे में बताया था। इन सारे वीडियोज़ के लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिए हैं, वहाँ से आप देख सकते हैं। और आज हम बात करने वाले हैं असम के बारे में। इससे पहले मैं वीडियो को शुरू करूं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और साथ में जो बेल आइकन उसको दबा दीजिएगा ताकि मेरा जो भी नेक्स्ट वीडियो आएगा आप लोगों तक उसका नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो असम स्टेट के जो क्वारंटीन रूल्स हैं वो बहुत ध्यान से सुनिएगा, बहुत इम्पोर्टेंट है, ठीक है। आप जब असम जाएंगे वहाँ पे आपको 7 दिन का इंस्टीट्यूशनल क्वारंटीन करना है और उसके बाद 7 दिन का होम क्वारंटीन करना है, ये मैंडेटरी है। इसके साथ साथ जब आप एयरपोर्ट पे जाएंगे वहाँ पे आपकी थर्मल स्क्रीनिंग होगी और एक आपका कोरोना वायरस का या फिर COVID-19 जिसको बोलते हैं इसका एक टेस्ट होगा, ये भी मैंडेटरी है सबके लिए। अब मैं आपको बताता हूँ वो कैटेगरीज या वो लोग जो क्वारंटीन से बच सकते हैं, वो लोगों की मैं आपको एक लिस्ट बताता हूँ कौन कौन से ऐसे लोग हैं जो इस क्वारंटीन से बच सकते हैं अगर वो असम जा रहे हैं तो। पहला, अगर कोई प्रेग्नेंट वुमेन है तो उनको कोई क्वारंटीन करने की ज़रूरत नहीं है। दूसरा, जो लोग जिनकी एज 75 से ऊपर है, मतलब जो लोग 75 साल से ऊपर के हैं उनको क्वारंटीन नहीं करना। वो बच्चे जिनकी उम्र 10 साल से कम है उनको भी क्वारंटीन नहीं करना। वो लोग जो मिलिट्री के हैं, मतलब मिलिट्री पर्सनल जो हैं जो ड्यूटी पे जा रहे हैं, उनको उनके कैंप में क्वारंटीन करना है, उनको इंस्टीट्यूशनल क्वारंटीन नहीं करना है। इसके साथ साथ अगर आपको कोई बीमारी है पहले से, जैसे डायबिटीज़ है या फिर कोई भी आपको पहले से बीमारी है, तो आपको क्वारंटीन करने की ज़रूरत नहीं है। अगर किसी की फैमिली में कोई डेथ हो जाती है और वो फ्यूनरल अटेंड करने जा रहा है उनको भी क्वारंटीन करने की ज़रूरत नहीं है। अगर किसी के कोई क्लोज रिलेटिव, एकदम इमीडिएट क्लोज रिलेटिव की तबीयत ख़राब है और वो उनको मिलने जा रहा है हॉस्पिटल में, उसको भी क्वारंटीन करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। इसके साथ साथ वो लोग, वो पैसेंजर्स जो एसिम्टोमेटिक हैं, ये जो अब मैं 3 कैटेगरी बताने वाला हूँ, इन 3 कैटेगरी के जो लोग हैं इनको भी इनको इंस्टीट्यूशनल क्वारंटीन नहीं करना है, इनको होम क्वारंटीन करना है। वो मैं आपको बताता हूँ कौन कौन है। हस्बैंड वाइफ, अगर हस्बैंड वाइफ एक साथ ट्रैवल कर रहे हैं और वो एसिम्प्टोमेटिक है, मतलब उनको कोरोना वायरस का कोई भी सिम्टम नहीं है, तब उनको सिर्फ होम क्वारंटीन करना है, इंस्टीट्यूशनल नहीं करना है। ये मैं आपको वो बता रहा हूँ जिनको इंस्टीट्यूशनल क्वारंटीन नहीं करना लेकिन होम क्वारंटीन करना है, ठीक है। हस्बैंड वाइफ हो गए, हस्बैंड वाइफ और उनके बच्चे साथ में ट्रैवल कर रहे हैं या फिर हस्बैंड वाइफ और उनके पेरेंट्स साथ में ट्रैवल कर रहे हैं और उनको किसी को भी सिम्टम नहीं है कोरोना वायरस का, तब उनको सिर्फ और सिर्फ 14 दिन का होम क्वारंटीन करना है। लेकिन अगर उनको किसी को भी सिम्टम हुआ तो उन सबको एक साथ इंस्टीट्यूशनल क्वारंटीन करना पड़ेगा। मैं एक बार आपको फिर बता देता हूँ, ध्यान से सुनिएगा। अगर आप नॉर्मली कोई जा रहा है तो उसको 7 दिन का इंस्टीट्यूशनल और 7 दिन का होम क्वारंटीन करना है। और अगर आपको क्वारंटीन से बचना है या फिर वो लोग जो जिनको क्वारंटीन करने की ज़रूरत नहीं है, वो कौन लोग हैं, प्रेग्नेंट वुमेन है, 75 साल या 75 ईयर्स से ऊपर के जो लोग हैं वो, 10 साल से कम उम्र के बच्चे वो, या फिर मिलिट्री वाले लोग जो ड्यूटी पे जा रहे हैं वो, और जिसको कोई बीमारी है वो, या फिर वो किसी के फ्यूनरल अटेंड करने जा रहा है, किसी की डेथ हो जाती है फैमिली में उसके फ्यूनरल पे जा रहा है वो, या फिर अगर आपके परिवार में आपके रिश्तेदारी में कोई बीमार है और हॉस्पिटलाइज्ड है, अगर आप उनको देखने जा रहे हैं तो, तब आपको कुछ क्वारंटीन करने की ज़रूरत नहीं है, ना तो इंस्टीट्यूशनल और ना ही होम क्वारंटीन, ठीक है। इसके साथ साथ आपको आरोग्य सेतु ऐप जो है वो मैंडेटरी है, अपने मोबाइल में आरोग्य सेतु ऐप डाउनलोड करके रखिएगा और इसमें अपना रजिस्ट्रेशन करा लीजिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जब आप एयरपोर्ट पे पहुँचेंगे तो वहाँ पे आपको एक सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म सबमिट करना है, फिल करके सबमिट करना है। ये फॉर्म आपको एयरपोर्ट पे ही मिल जाएगा, जब आप असम के किसी भी एयरपोर्ट पे जाएंगे ये फॉर्म आपको वहीं मिल जाएगा और आप वहाँ पे ये फॉर्म फिल करके वहाँ के अथॉरिटीज़ को दे सकते हैं, ठीक है। तो एयरपोर्ट पे क्या क्या होगा, आपको थर्मल स्क्रीनिंग होगी, आपका कोरोना वायरस का टेस्ट होगा और आपको एक ये सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म सबमिट करना है।
और क्वारंटीन की डिटेल्स मैंने आप लोगों को बताई दी है। तो उम्मीद है आप लोगों को पूरा वीडियो समझ में आया होगा। कोई भी आपको डाउट है या कोई भी आपके सवाल या क्वेश्चन हैं आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं, मैं पूरी कोशिश करूँगा आप लोगों की हेल्प करने की। और इसके साथ साथ आप मुझे फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, ये मेरा फेसबुक का हैंडल है और ये मेरा इंस्टाग्राम का हैंडल है। मैं यहाँ पे भी एक्टिव रहता हूँ, मैं पूरी कोशिश करूँगा आप लोगों के जितने भी सवाल हैं जो भी डाउट्स हैं उनको क्लियर करने का। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और देखिए साथ में एक लाल कलर का बटन होगा सब्सक्राइब करके लिख के आ रहा होगा, उस पर दबा दीजिएगा। उसके साथ में एक बेल आइकन है उसको भी दबा दीजिएगा ताकि मेरा जो भी नेक्स्ट वीडियो आएगा आप लोगों तक उसका नोटिफिकेशन पहुँच जाएगा। थैंक यू सो मच।